नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं ऐसा एप्लीकेशन जिसकी मदद से आप फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, सॉन्ग सब कुछ हाइड कर सकते हैं। बट यहाँ पे दोस्तों बात आती है कि ये जो हाइडर है वो एक कैलकुलेटर बन जाता है। बाद में देख सकते हैं इसका नाम और इसका लोगो भी चेंज हो चुका है। बट हमारे मोबाइल में तो दो कैलकुलेटर होते हैं, क्योंकि एक तो ये वाला हो गई और एक ये और एक ये वाला कंपनी का, ठीक है। तो ये दोनों पास ही है, आप देख सकते हैं। तो किसी को भी पता चल सकता है कि भाई ये एक ऐप लॉक है, एक ये फेक कैलकुलेटर है, तो किसी को भी पता चल जाएगा। तो उसके लिए हमें तो सबसे पहले इसे आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, और मैं कोशिश करूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में देने की, ठीक है। तो दोस्तों फिर आपको क्या करना है, सेटिंग्स को ओपन कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो ऐप्स वाला सेक्शन है वहाँ पर आपको जाना है, और यहाँ से आपको अपना जो ओरिजिनल कैलकुलेटर है कंपनी वाला, ठीक है, उसको आपको टैप करना है और उसे डिसेबल कर देना है, ओके। फिर आप बाद में यहाँ से अनेबल कर सकते हैं कि आप अनेबल कर देना, तो ये अनेबल हो जाएगा और ऐसे ये डिसेबल हो जाएगा, और आपकी यहाँ पे देख सकते हैं आपकी स्क्रीन है वहाँ पर नहीं दिखाएगा, यहाँ पर शो ही नहीं होगा कैलकुलेटर, ठीक है। तो आप इस तरह से उसे हाइड कर देना। अब ये हो चुका है हमारा मेन कैलकुलेटर, ओके। तो आपको इसे ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपको 4 या 8 डिजिट का पासवर्ड सेट करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4, और यहाँ पे आपको दूसरी बार 1 2 3 4 या कुछ भी, आप कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं 8 अंक का या 4 अंक का, ओके। और यहाँ पे आपको इक्वल पर टैप कर देना है, ओके। तो ये ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पे अलो कर देना है, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको कोई भी आंसर लिखना होगा, तो यहाँ से आप आंसर को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर, और यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है फाइनली हमारे ऐप। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो डार्क थीम है, गो प्रीमियम है, तो डार्क थीम में आप इसे रहने देना, बट आप जितना आप मर्जी हो सके वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यार काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे बताने लगूँगा तो शायद वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो अब इसका आप आइकॉन भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई सा भी आप कैलकुलेटर रख सकते हैं, तो कंपनी का वो है वैसा आप रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब कौन सी की प्रेस करनी है यहाँ से वो भी सेट कर सकते हैं, फिंगर से अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पे इसके जो लिस्ट है उसे आप चेंज कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पर शॉर्ट मिल जाता है, तो इस तरह से आप इसे सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट, वीडियो, पिक्चर, ऑल फाइल, ऑडियो, कैप्चर वीडियो एंड टेक फोटो, यहाँ पे आप सब कुछ हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको एक ऑडियो को हाइड करके दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप थीम को भी चेंज कर सकते हैं, ओके। काफ़ी सारी थीम मिल जाती है, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, और यहाँ से आप रिसेट कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे, तो आप उस तरह से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वो वाला जो आपने रखा था वो पासवर्ड यहाँ पे सेट कर देना है, ओके। तो यहाँ पे हम कोई भी एक ऑडियो को ले लेते हैं, और यहाँ पे मूव टू वॉलेट पर क्लिक कर देना है, ओके। यहाँ पे कौन सी फाइल में आपको रखना है या न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, तो यहाँ पर हम वीडियो पर इसे लगा देते हैं। आप हाइड में हाइड भी कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आपको रिमूव ही करनी होगी वो फाइल, वरना वो शायद ओपन ही नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके फिर से डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, फिर से ही वो ओपन होगी। यहाँ पे अभी हम बैक चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको ब्राउज़र मिल जाता है, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम नोट पर चलते हैं। नोट पर दोस्तों आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। और यहाँ पे आपको रिसाइकलिंग बिन भी मिल जाती है। आप दोस्तों आप कोई भी यहाँ से इमेज या कुछ भी डिलीट करोगे तो सीधा यहाँ पे आएगा, तो फिर से आप इसे उसे रिस्टोर कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे
आपको काफ़ी सारे सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों बाकी की फीचर प्रीमियम मोड में है। बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतने ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी को ऑल पर प्रेस कर देना। इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक लिए गुड बाय।